हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू योर चैनल एस एग्ज़ाम। और आज हम 2023 की जो समिट्स हैं उसका पार्ट टू लेकर आए हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेक्स्ट हमारी जो समिट रहेगी वो रहेगी G20 समिट 2023। ये काफ़ी अभी न्यूज़ में रही है। तो इसके होस्ट कौन थे 2023 में? तो वो था हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है, 2022 का अगर होस्ट की हम बात करते हैं तो वो रहा है इंडोनेशिया। एंड 30 नवंबर 2023 को इंडिया ने इसका होस्ट की जिम्मेदारी दे दी है ब्राज़ील को। तो नेक्स्ट 2024 की जो G20 समिट होगी वो ब्राज़ील में कंडक्ट करी जाएगी। ठीक है, अगर अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करें G20 की, तो ये फाउंड की गई थी 1999 में एंड इंडिया इसका पार्टनर 1999 से ही है। इंडिया ने रिसेंटली प्रपोज़ किया है कि हम इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड करें, तो अब G20 G21 के नाम से जाना जाएगा, जिसमें 19 कंट्रीज़ रहेंगी प्लस यूरोपियन यूनियन तो पहले से ही था, यूरोपियन यूनियन दैट मेड इट 20 G20, एंड अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो इस साल की होस्ट थे हमारे इंडिया। इसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। G20 की अगर हम बात करें तो इसके कंट्रीज़ को याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी गुरु गुरु जी सीता अब SSC FCI में नौकरी करती है। ठीक है, मे को आप बड़ा ही लिखिए ताकि ये भी एक कंट्रीज़ हैं वो हमें याद रहे। ठीक है, तो जी से हो गया जर्मनी, यू से हो गया USA, आर से हो गया रशिया, यू से हो गया UK, जे से हो गया जापान, आई से हो गया इंडिया। ठीक है, देन एस से हो गया सऊदी अरेबिया, देन आई से हो गया इंडोनेशिया, टी से हो गया तुर्की, देन ऑस्ट्रेलिया, देन ए से हो गया अर्जेंटीना, बी से हो गया ब्राज़ील, देन एस से हो गया साउथ कोरिया, देन साउथ अफ्रीका, देन सी से हो गया कनाडा, देन फ्रांस, देन चाइना, इटली, मेक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। ई से हो गया यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसमें अब ऐड हो गया अफ्रीकन यूनियन भी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि G20 एक इट इज़ नॉट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा। जो भी फॉर्मल होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, वो काफ़ी रिजिड होती हैं। जैसे कि हमारी जो UN है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उनको अब चेंज करने में काफ़ी दिक्कत है। ठीक है, ड्यू टू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम सब चाहते हैं उसमें चेंजेस हो, बट इट इज़ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें चेंजेस मुश्किल हैं। G20 एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो बहुत फ्लेक्सिबल है एंड इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। तो ये फर्स्ट समिट हुई है एंड ये कहाँ पे हुई है? गांधीनगर गुजरात में। ठीक है,
ठीक है। एंड इसी के साथ एक और फैक्ट याद रखिए कि वर्ल्ड्स फर्स्ट WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ सेटअप किया गया, तो ये जामनगर गुजरात में शुरू सेटअप किया गया है, जामनगर गुजरात। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ग्लोबल समिट 2023 की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट करी गई है, एंड इसका थीम रहेगा रिस्पॉन्स टू कंटेम्पररी चैलेंज। ठीक है, फिलॉसफी टू प्रैक्सिस, ये इस साल की थीम थी। मैंने ये रिसेंटली अभी एक और वीडियो में कवर किया है, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी। उसमें मैंने बताया है अबाउट बुद्धा एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस, तो ये न्यू दिल्ली में हेल्ड करी गई थी इस साल, न्यू दिल्ली। एंड अगर हम बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का इन वर्ल्ड, और अगर हम इंडिया में ही बात करें कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो वो रहेगा हमारा राजस्थान। ठीक है, जो इंडिया का 27% मिलेट्स ग्रो करता है। मिलेट्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, जो मोटा अनाज हम बोलते हैं वो मिलेट्स होते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, सोनोग्राम, ये सारे हमारे मिलेट्स में आते हैं। ठीक है, UNGA ने 2023 को इंटरनेशनल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया है। ठीक है, एंड मिलेट्स को ही हम श्री अन्न भी बोलते हैं, श्री अन्न। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपको ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि 15th ब्रिक्स समिट 2023 कहाँ होस्ट करी गई है, तो ये साउथ अफ्रीका ने होस्ट की है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये ब्रिक्स फाउंड कब किया गया था, तो 2009 में फाउंड किया गया था, एंड इसका हेड क्वार्टर है शंघाई में। ठीक है, थीम थी इस साल की ब्रिक्स ब्रिक्स एंड अफ्रीका। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, ये इस साल की थीम रही है। ठीक है, अभी तक इसमें 5 मेंबर्स हैं, जो कि है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का एक ग्रुप है। अभी रिसेंटली January 1, 2024 से 6 न्यू नेशंस विल बी जॉइनिंग इट। ठीक है, वो कौन से नेशंस होंगे, तो वो रहेंगे ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड यूथोपिया।
ये छह नेशंस January 1, 2024 से ज्वाइन करेंगे ब्रिक्स को, ठीक है, एज अ मेंबर। 2024 का को होस्ट कौन करेगा, तो ये रशिया होस्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, किस कहाँ पे हुई है अभी, तो ये उदयपुर में हुई है, उदयपुर राजस्थान में इसको होस्ट किया गया है। थीम थी इसकी एनहैंसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन डिजिटल एरा, ये इस साल की थीम थी। इसको कॉमनवेल्थ को फाउंड कब किया गया था, तो 1911 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका लंदन, ठीक है। कॉमनवेल्थ में वो सारी कंट्रीज आती हैं तो जो एक टाइम पर ब्रिटिश के अंडर आती थी, ठीक है, वही जब आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉमनवेल्थ का पार्ट बनी है, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023, तो ये हेल्ड कहाँ हुई है इस साल, तो ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई है, एंड इसकी थीम थी WHO एट 75 सेविंग लाइव्स driving health for all, ये इसकी थीम थी। WHO को बोलें तो ये फाउंड कब किया गया था, तो 1948 में फाउंड हुआ है, एंड हेडक्वार्टर रहेगा इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। एंड अगर हम बात करें तो WHO डे कब बनाते हैं, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, एंड इसकी इस साल की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में बस हम इतना ही कवर करेंगे, हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट विल मोटिवेट मी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, थैंक यू एंड जय हिंद।